जदीद सिंधी शायरी में एक नाम ऐसा भी है जिसके बिना सिंधी शायरी का वजूद कोई मानी नहीं रखता, बल्कि सिंधी शायरी नामुकम्मल सी लगती है। इसी शायर ने अपने कलाम से ऐसा जादू जगाया जो कि आज भी पढ़ने वालों को अपने बस में कर देता है। वो नाम है शेख अय्याज का। वो कोई आम शायर नहीं बल्कि एक इनकलाबी शायर थे। शेख अय्याज, जिनका असल नाम शेख मुबारक हुसैन था, 2 मार्च 1923 को सिंध के तारीखी शहर शिकारपुर में पैदा हुए। शेख मुबारक हुसैन ने दुनिया अदब में शेख अय्याज के कलमी नाम से शोहरत दवाम हासिल की। शेख अय्याज अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं कि कॉमरेड सोभू एक मरतबा इन्हें निशाद सैनमा के करीब रिहाइश पजीर कम्युनिस्ट रहनुमा आई के गुजराल जो बाद में इंडिया के वजीर आजम मुंतखब हुए उनके पास ले गए और तारुफ करवाते हुए कहा, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे सुर्ख शायर। इस पर गुजराल ने कहा कि मुझे कोई सिंधी नज़म सुनाओ ताकि मैं इसकी रवानी और मौसीकी का अंदाजा लगा सकूँ। मैंने उनको ओ बागी और राजद्रोही सुनाई तो वो काफी खुश हुए और कहा कि तुम शायरी में चंद्रशेखर आजाद हो। याद रहे कि चंद्रशेखर भगत सिंह के करीबी साथी और इनकलाबी थे। शेख अय्याज बचपन ही से फिक्री हवाले से मजबूत जहन के तौर पर उभरे। उनके इनकलाबी ख्यालात स्कूल के जमाने से ही पनपने लगे। 20 बरस की उम्र में बकौल उनके इश्तराकियत का मुतालिया उनका खास मौजू रहा। सन 1954 में जब मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को वन यूनिट करार दिया गया तो सिंध में इसके खिलाफ अवामी रद्दअमल सामने आया। अदीब, सहाफी और वकला भी सियासी जमातों के हमकदम थे। ऐसे में शेख अय्याज की शायरी ने इस तहरीक को ईंधन फराहम किया। सिंधड़ी पर सरकों कुर्बान गीत सिंध के गली कूचों में गूंज उठा और लोग बाहर निकलकर वन यूनिट की भरपूर मजाहमत करने लगे। सन 1965 में जनरल अयूब खान के दौर में इन्हें अपनी धरती के हकूक की आवाज उठाने के जुर्म में गिरफ्तार करके सखर और फिर सन 1968 में साहिवाल जेल में रखा गया और वह जनरल अयूब की डिक्टेटरशिप के इख्तिताम तक जेल में ही रहे। सन 1970 में शेख अय्याज अवामी लीग में शामिल हुए और शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी और बांग्लादेश के कयाम तक शेख अय्याज को जेल में ही रखा गया। जुल्फकार अली भुट्टो जब चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए तो उन्होंने मुमताज भुट्टो को गवर्नर मुकर्रर किया, जिनके अहकाम पर शेख अय्याज की रिहाई अमल में आई। सन 1976 में इन्हें जुल्फकार अली भुट्टो ने जामिया सिंध जामशोरों का वाइस चांसलर मुकर्रर किया, जहाँ इन्होंने अपने 4 साल का मुकर्रर वक्त पूरा किया। सिंध यूनिवर्सिटी में सिंधी शोबे के उस्ताद इसहाक समेत जो कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ अय्याज ने तमाम मनफी कुव्वतों को ललकारने की तहरीक की सूरत इख्तियार कर ली और नतीजे में सन 1962 से लेकर 1964 तक इनकी शायरी के 3 मजमुओं पर पाबंदी आयद कर दी गई। वो कहते हैं कि शेख अय्याज अपने दौर का एक ऐसा बागी और गैर रवायती शायराना इंकलाबी किरदार है जिसने उस वक्त राज तसव्वुरात के महलों में दरारें डाल दी, अपने दौर के उन ख्यालात, तसव्वुरात और अकीदों को चैलेंज किया जो इंसान की खुशी, तरक्की और आज़ादी के दुश्मन थे। उनके यहाँ इंसान की अजमत सबसे ज्यादा काबिल एहतराम थी, इसलिए उन्होंने किसी मजहबी फलसफे और अकीदे को इंसानियत पर फोकियत नहीं दी। ये वही वजह थी कि लातादाद रिवायत परस्त हल्के उनसे नाराज हुए। शेख अय्याज पर बगावत के इल्जाम, मजहब और मुल्क दुश्मनी के इल्जाम और मुकदमात बने और असीरी के दिन भी देखे। दिलचस्प बात यह है कि इश्तराकियत के हामी, सियासी मुजाहमत की अलामत समझे जाने वाले शेख अय्याज जिंदगी के आखिरी अय्याम में मजहब की तरफ रागिब हुए। फैज अहमद फैज और जालिब की तरह इन्होंने भी दुआएं लिखी। शेख अय्याज के मुताबिक दुआओं की किताब से जाहिर है कि दुआ लिखते वक्त मैंने पूरी इंसानी जात को जहन में रखा। मेरे गीत किसी भी राइट विंग से वाबस्तगी नहीं रखते, न मैंने ऐसी किसी जमात में शमूलियत इख्तियार की है और ना ही इरादा रखता हूँ। दरअसल सियासत से हमेशा के लिए किनारा कुश हो चुका हूँ और समझता हूँ कि शायर की सियासी वाबस्तगी खुदकुशी साबित होती है। शेख अय्याज उन अजीम फनकारों में शामिल है जो अपनी जिंदगी में ही लेजेंड बन जाया करते हैं। शेख अय्याज को ये इफ्तिखार भी हासिल है कि इन्होंने न सिर्फ सिंधी जुबान की शेरी रवायत को आगे बढ़ाया बल्कि इसमें नई मानवीयत, जहते और नए इम्कानात भी पैदा किए हैं। क्लासी की शेरी रवायत की बाज़याफ्तें इन्हें सिंधी जुबान और अदब की तारीख में जाविदां कर दिया है। शेख अय्याज की शायरी के तराजम हिंदी, उर्दू, फ्रांसीसी, जर्मन, स्ट्राइकी, अंग्रेजी और पंजाबी जुबानों में हो चुके हैं। इन्होंने 2 शादियों की जिनमें से 4 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई। शेख अय्याज ने जिंदगी के आखिरी बरस कराची में गुजारे। दोस्त अहबाब से अलग थलग और दिल की बीमारी के बावजूद वो आखिर वक्त तक लिखते रहे। बिलाखिर 28 दिसंबर 1997 को कराची में इस जहाने फानी से हमेशा के लिए कूच कर गए। इन्हें भटशाह में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के मजार के पास करार झील के किनारे कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।